दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम मैथ की पैडागोजी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। एक चीज और बताऊं आपको, इससे पहले लगभग 35 से 40 लेक्चर आपको मैथ की पैडागोजी के अपने इस चैनल पे बनेंगे, मैथ पैडागोजी बाई पूजा मैम। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको तमाम लेक्चर्स पूरी मैथ की पैडागोजी के मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले लेक्चर भी हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर एग्जाम का टाइम है, एक बार और डिस्कस कर दिया जाए, तो हमने दोबारा शुरू किया है। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर मैं कर चुका हूं, आज हम टेस्ट नंबर 3 करेंगे। ये हमारी मैथ की पैडागोजी की बुक है और इसी बुक के अंदर हर चैप्टर के बाद आपको पैडागोजी के क्वेश्चन मिलते हैं, हर सब्जेक्ट की होती है इस तरीके की। अगर इनको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी जानकारी आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम की चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों एक चीज और कहूंगा, जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो आप हर क्वेश्चन का आंसर हमें दिया कीजिए। जब हम इस टेस्ट को लाइव कर रहे हैं तो देखते हैं जितने बच्चे भी लाइव आ पाते हैं वो प्लीज हर क्वेश्चन के बाद में थोड़ा टाइम देता हूं, आप आंसर देने की कोशिश करें। गणित विज्ञान का खालिस्तान एवं खालिस्तान है। गणित विज्ञान का क्या है? मूर्ति एवं सभ्यता है, कला एवं कलाकार है, प्राण एवं जन्मदाता है, या द्वार एवं कुंजी है। तो यहां आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपने अमृत आंसर दिया, मैं आपको बता देता हूं कि गणित जो है विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, यानी गेट या फिर की है, चाबी है, ये आपका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गणित को व्यापार का खालिस्तान और विज्ञान का खालिस्तान कहा जाता है। गणित को व्यापार का क्या कहेंगे? समाज या आविष्कार, प्राण या जन्मदाता, वर्तमान या आधार, द्वार या फिर कुंजी। दोस्तों गणित को व्यापार का प्राण कहते हैं और विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं, क्योंकि गणित से व्यापार चलता है, मैथमेटिक्स से व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है, लाखों का लेना, करोड़ों का देना, ये सारा दिन जो बिजनेस लोग करते हैं, मैथमेटिक्स के बिना तो कुछ भी ना चले। और यही गणित जो है वो विज्ञान का जन्मदाता है, क्योंकि विज्ञान के सारे फार्मूले इसी आधार पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गणित विषय का सबसे अधिक सह संबंध होता है किससे? विज्ञान से, चित्रकला से, भूगर्भ विज्ञान से, या भाषा से? गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? विज्ञान से होता है, क्योंकि गणित जो है वो विज्ञान का जन्मदाता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सह संबंध होना चाहिए, क्यों? इसकी वजह क्या है? नंबर 1, छात्रों को दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, छात्र संचित ज्ञान से नए विज्ञान का संबंध जोड़ता है, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है। आपका आंसर रहेगा सभी, ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक को विषयों का ज्ञान होना चाहिए, गणित विषयों का, विज्ञान विषयों का, गणित एवं विज्ञान विषयों का, या स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यहां आपका आंसर डी होगा। जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, अगर आप मैथ के टीचर हैं, आप साइंस के टीचर हैं, आप हिंदी के हैं, आप इंग्लिश के हैं, आप SST के हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आपका PGT भी है, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, टीचर को अपने सब्जेक्ट की तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक टीचर के रूप में आपको इन चीजों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोग DSSB का एग्जाम देते हैं, KVS का एग्जाम देते हैं, CTET का एग्जाम देते हैं, यहां अगर आप जिस भी टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके अलावा बाकी सब्जेक्टों का भी आपको एग्जाम देना पड़ता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो GK हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो, ये बहुत सी चीजें हैं जो अलग अलग टीचिंग एग्जाम में आपको देखनी पड़ती हैं, तो इसलिए आपको सामान्य जानकारी बाकी की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, दैनिक प्रयोग में कुशलता हेतु आवश्यक है कि गणित का खालिस्तान किया जाए, मौखिक अभ्यास किया जाए, लिखित अभ्यास किया जाए, सरल अभ्यास किया जाए, या निदानात्मक अभ्यास किया जाए। दैनिक प्रयोग में कुशलता में क्या करेंगे आप? अगर डे टू डे की लाइफ में अगर आपको कामयाब होना है या जरूरत पड़ने वाला मैथ चाहिए तो आपको मौखिक अभ्यास करना जरूरी है, वर्बल प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, रेखा गणित व तर्क शास्त्र में संबंध बताना है। रेखा गणित व तर्क शास्त्र में संबंध किस चीज का? कल्पना का, यथार्थ का, दूर का, या निकटता का? रेखा गणित व तर्क शास्त्र में निकटता का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8, गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाता है? एकिक सहसंबंध,
पारस्परिक सहसंबंध, गुणांक सहसंबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर यहां पर इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9th वाला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाए, किस तरीके का दृष्टिकोण, विज्ञान का दृष्टिकोण या विज्ञान का द्वारा, विज्ञान के द्वारा दृष्टिकोण जो है उसको आपको यहां पर अपनाना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, विभिन्न विषयों में अंतर्निहित सह संबंध पाया जाता है जिससे पता लगता है, क्या पता लगता है बताइए आप आंसर में, ज्ञान अखंड है, ज्ञान एकांगी है, ज्ञान सार्वभौमिक है या फिर ज्ञान असीमित है। ज्ञान जो है वो अखंड है, बाकी चीजें तो है ही है बट यहां सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञान अखंड है। क्वेश्चन नंबर 11, गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है, गणित को कौन सी प्रक्रिया का सार मानेंगे, वैदिक गणित या आगमन निगमन प्रणाली, आपका आंसर रहेगा आगमन निगमन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 12, व्यावहारिक गणित का उदाहरण क्या है, व्यावहारिक गणित का उदाहरण क्या होगा, बैंक संबंधी कार्यों की जानकारी करना, कक्षा में अधिक अंक तो व्यवहार में नहीं होंगे, कठिन सवाल भी नहीं होंगे, जामित भी नहीं होगी, बैंक संबंधी कार्यों की जानकारी रखना जो है वो गणित, व्यावहारिक गणित का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आपका 13, हम इस बात पर बल देते हैं कि गणित को स्कूल पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण विषय बनाया जाए, ये सुझाव किस व्यक्ति के रहे हैं या किस संस्था के रहे, किस कमीशन के रहे हैं, कोठारी आयोग ने कहा था कि हम इस बात पर सुझाव देते हैं कि जो मैथ है उसे स्कूल पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण विषय बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 14, चित्रकला में गणित का कौन सा भाग प्रयोग होता है, चित्रकला में गणित का रेखा गणित भाग जो है वो प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, देश की मुद्रा का अवमूल्यन में किस विषय का प्रभाव नजर आता है, देश की मुद्रा का अवमूल्यन में किसका प्रभाव नजर आता है, गणित व अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स और इकोनॉमी का। क्वेश्चन नंबर आपका 16, गणित एवं नागरिक शास्त्र में संबंध दर्शाता है, गणित एवं नागरिक शास्त्र के अंदर जो संबंध दर्शाता है वो किस चीज का दर्शाता है, ग्राम में घरों की संख्या, वयस्क वोटरों की गणना, वैध वोटों की गणना, इसमें दोनों चीजें हैं, आपका नागरिक शास्त्र भी है क्योंकि वोटर है, गांव है, घरों की संख्या, घर है, ये सब सिविक्स का टॉपिक होगा नागरिक शास्त्र का, और गणना जो है, संख्या जो है वो आपका मैथ का टॉपिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों की प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है, यह कथन किस व्यक्ति का है, रोजर बेकन का, महावीर चार्य का, सप्तज का या फिर कोई नहीं, आपका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, रेखा गणित का संबंध किससे है, रेखा गणित का संबंध जो है प्रसार और विस्तार से है। क्वेश्चन नंबर 19, दौड़ का मैदान से क्या अभिप्राय है, दौड़ का मैदान से अभिप्राय शिक्षा क्रम में माना जाता है आमतौर पर। क्वेश्चन नंबर आपका, ये पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको बनाने में। क्वेश्चन नंबर 20, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, गणित के नियम कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं यानी यूनिवर्सल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वर्ण शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है, यह कथन दोस्तों डटन का है, डटन के द्वारा इस कथन को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 22, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन सी विशेषताएं पाई जाएंगी, गणित विषय में अक्रमबद्धता, गणित की भाषा सांकेतिक, गणित एक रसहीन विषय है, ये आपका यहां पर आंसर होगा। तो दोस्तों आज के तीसरे लेक्चर में ये तमाम क्वेश्चन थे 22, जिनमें से आपने आंसर दिए, अब आप बताएं कि किसके कितने आंसर ठीक मिले, और कल हमारा जो है ये 4th लेक्चर होगा जो मैथमेटिक्स में इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन का चैप्टर होता है, यहां से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नए साथी आए हैं तो कल की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।